समांतर रेखा का अगर हम यहां बात करते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण हम यहां प्रस्तुत करेंगे आपको कि आपने देखा होगा आपके पास पटरी है, एक स्केल जिसे आप कहते हो या स्लेट जिसे आप कहते हो, तो स्लेट के और पटरी के जो किनारे को अगर ध्यान से देखें तो वो किनारे आपस में समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। देखिए उदाहरण के लिए जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर ये स्लेट दिखाई दे रही है आपको, इस स्लेट में ये एक सामने किनारा और ये वाला किनारा, इसी प्रकार से ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, ये ऐसा प्रतीत होता है कहीं कि आपको कि ये आपस में मिलेंगे, ये किनारा और ये किनारा आपस में प्रतीत होगा मिलेगा करके? नहीं, संभवतः नहीं आपको लगेगा कि ये किनारे आपस में नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से ये पटरी देखिए, आप यहां पर स्केल दिखा रहे हैं हम आपको, यहां पर ये स्केल का ये वाला किनारा और ये नीचे वाला किनारा, ये दोनों किनारे अगर देखे जाएं तो आपस में एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलेंगे। जैसे हमने यहां पर दिखाया आपको कि यहां पर ये स्लेट आपको दिखाई दे रही है, स्लेट पहले स्थिर थी, अगर हम इस स्लेट को यहां से सीधा आगे की तरफ खिसकाएं या पीछे की तरफ खिसकाएं तो ये जो आप देखेंगे किनारे से यहां से खिसकाने से जो इसका निशान बनेगा, ये निशान इस तरीके से दिखाई देंगे आपको, ये निशान एक दूसरे को कहीं भी आपस में मिलते हुए नहीं प्रतीत होंगे। इसी प्रकार से अगर हम स्केल को खिसकाएं आगे की ओर और पीछे की ओर तो देखते हैं कि जो निशान छोड़ता है यहां पर, ये निशान जो छूटेगा आपको दिखेगा, तो ये भी आपस में एक दूसरे से मिलते हुए नहीं प्रतीत होंगे, अर्थात ये कहीं पर नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं, यहां पर जो दो रेखाएं आप देख रहे हैं ये क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। बच्चों ये तो हमने देखा कि हमारे आसपास के माहौल, अब आसपास के जो देखते हैं कॉपी किताब के किनारे वगैरह, तो उनको भी अगर आप आगे पीछे खिसकाते हैं तो भी वो आपस में जो निशान छोड़ेंगे वो आपस में एक दूसरे को मिलते हुए नहीं प्रतीत होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्या है, समांतर रेखाएं बनाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम आपसे बात करें, आपने रेल की पटरी देखी होगी, तो रेल की पटरी सीधी कहीं भी आपस में एक दूसरे को मिलती नहीं नजर आती है, तो ये जो दो रेखाएं आप देखते हैं रेल की पटरी जो है, ये दोनों भी आपस में क्या है, समांतर रेखाओं को निरूपित करती हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि अगर हम समांतर रेखाओं को खींचें, मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि यहां पर हम दो रेखा आपको बनाकर दिखा रहे हैं, एक रेखा ये आपके पास हो गई और एक रेखा ये आपके पास हो गई, तो ये दोनों रेखाएं आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं हैं जो कि समांतर हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम कितना भी आगे बढ़ा दें, अगर मान लो हम इनको कितना भी आगे बढ़ा दें इस तरीके से, तो ये आपस में कहीं भी एक दूसरे को मिलती हुई नहीं दिखाई देंगी। तो इनको कैसे आप लिखेंगे, मान लीजिए हमने कहा कि इसको हम ए और बी बोलते हैं, इसको हम सी और डी बोलते हैं, तो हम लिखेंगे ए बी रेखा जो आपके पास है वो समांतर, ये जो चिन्ह हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको इस तरीके से, ये चिन्ह दिखा रहा है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। यहां पर आपने देखा कि ए बी समांतर सी डी के। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि अगर हम दो किरण अगर आपको दिखा दें, तो वो किरण भी अगर आगे बढ़ाई जाए और एक दूसरे से ना मिलती हो, कहीं भी आगे बढ़ाने पर एक ही तल में एक दूसरे को कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये किरणें भी आपस में समांतर किरणें कहलाएंगी। दो समांतर रेखाएं, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी सदैव कहीं से भी नापी जाए, लंबवत दूरी की बात करेंगे यहां पर, कहीं से भी नापी जाए तो वो बराबर रहेंगी। उसको हम कैसे दिखा सकते हैं आपको, यहां पर आप देखिए एक जो रेखा आपको दिखाई दे रही है एसी दिखाई दे रही है और एक बीडी, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये पी रेखा है और ये क्यू रेखा है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सेट स्क्वायर की मदद से एक लंबवत दूरी खींची जिसका नाम हमने कहा ए बी। इसी प्रकार से हम लोगों ने सेट स्क्वायर रख करके सी और डी एक लंबवत दूरी और खींची। अब इन दोनों दूरी ए बी और सी डी जो कि लंबवत दूरी है, इन दोनों को अगर हम स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से ए बी को नापते हैं और इसके पश्चात हम सी डी को नापते हैं,
तो ये दोनों जो लंबवत दूरी आपको मिलेगी ये 3 सेंटीमीटर की यहां प्राप्त होगी। तो इससे हमने यहां पर AB जो लंबवत रेखाखंड खींचा है और CD एक लंबवत हमने रेखाखंड खींचा है। अगर इसके अलावा भी हम इस स्थान पर अगर मान लीजिए एक और लंबवत दूरी खींचेंगे तो वो लंबवत दूरी भी आपके पास 3 सेंटीमीटर की ही होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच में दूरी जो होती है सदैव बराबर होती है। यहां पर हम देख रहे हैं कि L और M जो कि दो समांतर रेखाएं हैं, हम यहां देख रहे हैं दो समांतर रेखाएं L और M हैं। इन रेखाओं को एक ये रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा इसको काटती है। तो ये किस किस बिंदु पर काट रही है? P और Q बिंदु पर काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को ये जो रेखा तीसरी रेखा जो काट रही है इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। इसे तिर्यक रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दो इन रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये तिर्यक रेखा का काम करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहां पर L, M और Q 3 समांतर रेखाएं हैं, तो ये समांतर रेखा को ये जो रेखा तीसरी रेखा जो आप देख रहे हैं जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ये रेखा पहले वाले L को R पर और M रेखा को S पर और Q रेखा को T पर काटती है। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। अब इसी तरीके से हमने यहां तो बताया कि आपको ये समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं में आप देखें कि ये तीसरी रेखा जो काट रही है ये तिर्यक रेखा के रूप में दिखाई जा रही है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि L और M दो रेखाएं हमको दी गई हैं, ये रेखाएं समांतर तो नहीं है, परंतु आप देख रहे हैं कि ये तीसरी रेखा, ये रेखा जो है तीसरी, ये रेखा इन दो रेखाओं को P और Q पर काट रही है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा ही कहेंगे। आप ये कह दीजिए कि सबसे पहले हम आपको कोणों से पहले बता दें कि यहां पर एक आपके लिए सवाल है बच्चों, इसको देखिए ध्यान से। ये L और M दो रेखाएं आपको दिख रही हैं और एक रेखा जो ये N है इन दोनों रेखाओं को एक बिंदु पर काट रही है, तो क्या हम इसे तिर्यक रेखा कहेंगे? नहीं, ये इसे तिर्यक रेखा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे आपको बताया है कि तिर्यक रेखा दो रेखाओं को दो या दो से अधिक बिंदुओं पर काटते हुए जाती है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं चित्र में कि हमारे पास जो बिंदु है P वो रेखा N जो है एक ही बिंदु P पर काट रही है, तो इसे तिर्यक रेखा नहीं कहा जाएगा। तो बच्चों आपको मालूम चल गया कि तिर्यक रेखा क्या है और किस प्रकार से हम इसे पहचान सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपसे कि तिर्यक रेखा के बीच में जो कोण बनते हैं उनकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि अगर हमने तिर्यक रेखा खींची, मान लीजिए ये जिस प्रकार से आप यहां देख रहे हैं कि L और M दो रेखाखंड रेखा आपको दिख रही है, इसको ये तीसरी रेखा जो काट रही है ये तीसरी रेखा बिंदु P और Q पर काटती प्रतीत होती है हमको। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये तिर्यक रेखा अपने साथ कुछ कोण बनाए होती है। अब वैसे हम आपसे बोलें कि तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं या अन्य रेखाओं काटती है तो उसमें 8 कोण बनते हैं, जिसमें से 4 अंतःकोण होते हैं और 4 बाह्यकोण होते हैं। अच्छा, अंतःकोणों की बात हम आपसे करें और बाह्यकोणों की बात आपसे करते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि अंतः जो भाग है और बाह्य भाग, जहां पर अंतःकोण बनेंगे और जहां पर बाह्यकोण बनेंगे उनको कैसे पहचानेंगे हम, तो उसके लिए हम यहां पर उदाहरण देख रहे हैं। बच्चों ये जो आप यहां पर देख रहे हैं इस तरफ वाला क्षेत्र या इस तरफ वाला क्षेत्र या इस तरफ वाला और या इस तरफ वाला, तो ये हमारे पास कहलाएगा बाह्य क्षेत्र, बाह्य भाग कहेंगे इसे हम। यहां पर जो भी कोण बनेंगे वो कोण क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे। परंतु यहां देखिए ये बिंदु और ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग जो इन रेखाओं के भीतर का भाग है, इन भागों में जो कोण बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे अंतःकोण। तो इस प्रकार से हम यहां समझ गए कि जब तिर्यक रेखा या दो रेखाएं आपने देखी यहां पर इन रेखाओं के बाहर की तरफ जो क्षेत्र बने हैं इनको हम बोलेंगे बाह्य भाग, और यहां पर जो कोण बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे बाह्य कोण, और भीतर वाले भागों में अगर कोण बनते हैं तो हम उन्हें बोलेंगे अंतःकोण जो कि अंदर की तरफ बने हैं। तो इस प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि कोण कैसे बन सकते हैं। देखिए बच्चों हम आपसे कह रहे हैं यहां पर कि ये आप देखिए L और M,
एल और एम दो रेखाएं हैं और ये आपके पास तिर्यक रेखा का काम कर रही है। जो रेखा एन दिया है हमने यहां पर आपको दिखाया है, ये तिर्यक रेखा का काम यहां पर कर रही है। तो बच्चों हम बता चुके हैं आपको कि इसमें आठ कोण बनते हैं, चार अंदर के भाग में और चार बाहर के भाग में। तो यहां देखिए आप, मैंने आपसे बताया था कि बाहरी क्षेत्र में जैसे यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको दो कोण, दो दिखा रहे हैं आपको, यहां पर आप कोण एक देख रहे हैं, इस तरीके से यहां पर आप कोण सात देख रहे हैं और कोण आठ देख रहे हैं। तो ये कोण चूंकि बाह्य क्षेत्र में बने हुए हैं इसलिए इन्हें हम बोलेंगे बाह्य कोण। तो यहां पर एक दो सात और आठ जो है आपके पास बाह्य कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर कि तीन चार पांच और छह जो कोण बने हुए हैं वो अंदर की तरफ बने हुए हैं, भीतर की तरफ बने हुए हैं, इसलिए इन्हें अंतः कोणों का नाम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ गए कि हमारे पास जब दो रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा अगर ली जाए तो उस तिर्यक रेखा के कारण हमारे पास आठ कोण बनते हैं, जिनमें कि चार बाह्य क्षेत्र में और चार अंतः क्षेत्र में, जिन्हें हम बोलते हैं बाह्य कोण और अंतः कोण। इस प्रकार से आप यहां पर आप देखिए कि हम कैसे आपको समझा सकते हैं कि यहां पर देखिए आप दो रेखाएं आपको दिख रही हैं एल और एम, इन रेखाओं को एक तीसरी रेखा जो एन है वो काट रही है। तो इस आकृति में, इस चित्र में आप देखिए कि आपके पास चार और एक, सात और छ, यानी कि एक चार छ और सात जो है हमारे बाह्य कोण कहलाएंगे, और दो तीन पांच और आठ ये कहलाएंगे आपके अंतः कोण। अच्छा बच्चों अब इनको अगर हम तुमको अलग अलग करके बताएं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। आप देख रहे हैं यहां पर दो रेखाएं आपको दिख रही हैं एल और एम के नाम से, और यहां पर एक तिर्यक रेखा आपको दिखाई दे रही है जो बिंदु P और Q पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है हमको। तो बच्चों आप देखिए यहां पर अभी हमने आपसे कहा कि दो बाह्य क्षेत्र में बना हुआ है, इसी प्रकार से एक भी जो है बाह्य क्षेत्र में बना हुआ है, और ये सात और आठ चूंकि बाह्य क्षेत्र में बने हैं इसलिए इन्हें बाह्य कोण के नाम से जाना जाएगा। अब अंतः कोणों की बात अगर हम करते हैं आपसे, तो यहां देखिए आप आकृति में ये तिर्यक रेखा जो है इसके साथ जो बने कोण है एक दो तीन और चार, यहां पर देखिए ये अंदर की तरफ बने हैं इसलिए इन्हें कहा जाएगा अंतः कोण। अच्छा बच्चों अब आपने आप समझ गए कि किस प्रकार से बाह्य कोणों को और अंतः कोणों को पहचाना जाता है। अब यहां पर हम आपको इनके बीच में संबंधों को बताएंगे कि ये अंतः कोण और बाह्य कोणों के बीच में संबंध कैसे हैं। ये दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर हैं, और ये जो M रेखा है ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। यहां पर देखिए आप ये P बिंदु और Q बिंदु हम यहां पर दिखा रहे हैं जहां पर ये तिर्यक रेखा दो स्थानों पर काटती है इन दोनों समांतर रेखाओं को। तो अगर हम यहां आपसे बात करें कि इन कोणों जो कोण आठ कोण बने हैं इनको किस तरीके से नाम दिया जा सकता है, तो हम यहां पर आपको बताते हैं। देखिए एक कोण आप देख रहे हैं यहां पर, कोण एक को आप देख रहे हैं, ये कोण एक और कोण आठ एक बाह्य क्षेत्र में बना हुआ है और एक अंतः क्षेत्र में बना हुआ है। तो कोण एक और कोण आठ को अगर बोला जाएगा तो इन्हें बोला जाएगा संगत कोण, इन्हें कहा जाएगा संगत कोण। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दो और पांच की, यहां भी देख रहे हैं आप कि दो जो है बाह्य क्षेत्र में बना हुआ है और पांच जो है वो अंतः क्षेत्र में बना हुआ है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा संगत कोण कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं चार की, कोण चार की बात करते हैं हम लोग यहां पर, और यहां पर देख रहे हैं आप बाहर की तरफ जो कोण सात आपको दिखाई दे रहा है, तो कोण चार अंदर के क्षेत्र में बना हुआ है और कोण सात जो है आपका बाहर के क्षेत्र में बना हुआ है, तो ये दोनों कोण भी आपको संगत कोण के नाम से बोले जाएंगे। इसी प्रकार से हम बात करें तीन की और छह की, तो ये कोण भी क्या होंगे संगत कोण होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको कोण एक की माप मालूम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि कोण आठ जो हमारे पास यहां दिखाई दे रहा है ये भी एक के बराबर ही होगा, क्योंकि ये कोण क्या है आपस में संगत कोण है। इसी तरीके से हम बात करें दो और पांच की, तो अगर दो के बारे में हमें मालूम चल जाता है तो हम कहेंगे कि पांच का मान भी हमें ज्ञात हो गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है संगत कोण है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए सेट स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर हम छोटे सेट स्क्वायर की बात करते हैं तो इनका जो मान है इस
क्षेत्र का, इस क्षेत्र का 45-45 अंश है। इसी तरीके से 30 और 60 अंश आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी सहायता से हम समांतर रेखा किस प्रकार से खींच सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहां पर ए बी रेखाखंड आपको दिखाया और बिंदु पी पर हमको इसके ए बी के समांतर रेखाखंड खींचना है, रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से जिस तरीके से यहां पर चित्र में दिखाया जा रहा है सेट स्क्वायर को रखा गया, इस सेट स्क्वायर को रखने के पश्चात हमने पटरी के सहारे इसको ऊपर की ओर खिसकाना शुरू किया। इस सेट स्क्वायर को ऐसे ऊपर खिसकाएंगे और खिसकाने के बाद जैसे ही सेट स्क्वायर बिंदु पी पर आएगा तो हम यहां पर एक रेखा खींच देंगे, तो वो रेखा हमारी क्या होगी, ए बी रेखा के समांतर हो जाएगी। अगर हम एक समांतर रेखा, एक बिंदु जैसे हमने यहां पर आपको दिखाया ए बी रेखा दिखा रखी है, यहां पर सी के सहारे हमने सेट स्क्वायर यहां पर लिया है, इसके सहारे हमने इस रेखा ए बी पर क्या किया, एक लंबवत रेखाखंड खींचा। और खींचने के पश्चात हमने पटरी की मदद से 3 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर का हमने दूरी ली और उस दूरी को पर एक बिंदु लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इस रेखाखंड में, इस रेखा में हमने अपने सेट स्क्वायर और पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर दूर हमने एक चिन्ह, एक पॉइंट को हमने प्रदर्शित किया, जिससे जो कि हमें बता रहा है कि यहां से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तिर्यक रेखा के द्वारा किस प्रकार से कोण बनते हैं, और हमने देखा किस प्रकार से गुनिया की सहायता से हम लोग सेट स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार से एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींच सकते हैं, और दूरी के बारे में हम लोग यहां पर सीखा, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने